मेरे बेटे का ऑपरेशन सिर्फ डॉक्टर राजेश शर्मा ही करे, आपका कोई असिस्टेंट या कुलीग ना करे। तो मुझे याद है कि ऐसे कहते हैं, आपने मेरा बोला है तो मैं ही करूँगा। तो ऐसे मेरी वाइफ उसने कहती है कि मेरा बेटा ठीक हो जाएगा, तो डॉक्टर शर्मा कहता है कि वो ठीक तो ऊपर वाले ने करना है ना। क्या बात है, तो क्या मेरी बात? मेरे काम में, मेरी मेहनत में आप कभी खामी नहीं देखेंगे। ऑपरेशन होने के बाद उसने अपनी चेस्ट देखी ना, तो फिर वो स्टिचिंग हुई थी, तो मुझे कहता अबू ये डॉक्टर शर्मा ने मेरी चेस्ट ब्यूटी ख़राब कर दी है। डॉक्टर शर्मा आए तो कहता है, डॉक्टर साहब आपने, आपको ये तो नहीं कहा था कि आप मेरी चेस्ट ब्यूटी ख़राब करें। बड़ा कॉन्फिडेंट था शुरू से ही, बड़ी खुल के बात करनी हर बंदे से इस तरह, और वहाँ लोगों से मिलना, बड़े लोग मिलते। आपको बताता हूँ कि एक बार ऐसे ही हुआ कि मुझे कुछ पैसे मंगवाने थे वेस्टर्न यूनियन थ्रो, तो वो पैसे को 25-30 हज़ार रुपया था उस वक्त, तकरीबन मेरा टनेवर मुकम्मल हो गया था। ये पैसे मैंने अपने किराए के लिए मंगवाए थे कुछ पैसे, तो मैं गया बंगलोर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। अब वहाँ पर मैं ऐसी सहमा सा गया, नई जगह, पहली बार बंगलोर गया, पता नहीं है। एक बंदे को मैं मैनेजर से मिला, मैंने कहा जी मेरे ये पैसे आए हैं तो मैंने लेने हैं। उसने एक कुछ सेकंड मैनेजर था उसकी तरफ मुझे रेफ़र किया, तो मैं यहाँ बैठ गया। उसने मुझसे पासवर्ड मांगा तो मैंने उसके दिया। उसने अपने असिस्टेंट से कहा कि इनका देखें पासवर्ड लगाएं, इनके कितने पैसे आए इनको दें। अच्छा मैं बैठा हूँ तो मुझे प्यास महसूस हुई, तो मैंने उससे कहा कि मुझे पानी चाहिए। तो एक बॉटल पानी की, जैसे हमारे यहाँ नेस्ले वगैरह इस तरह उनकी कोई थी, उसने वो मुझे दी, मैंने पी। तो अच्छा वहाँ पर गिलास का कल्चर नहीं है, ये भी मैं आपको बताऊं, बोतल को ही मुंह लगाते हैं। होटल पे भी कल्चर नहीं है, जग रख दिया बस, सारे उसी में से पियो, वो ऊपर से डालते हैं मुंह में। अच्छा वहाँ चूँकि गिलास का कल्चर नहीं है, उन्हें बोतल दी, मैंने आधी बोतल पी ली, आधी मैंने रख दी वहाँ पर। वो जो सेकंड मैनेजर था उसका मुझे नाम याद नहीं, उसका विजिटिंग कार्ड उसने मुझे दिया था, कहीं घर पड़ा होगा, मिस्टर स्वामी, मुझे इतना पता स्वामी उसके नाम के साथ लगता था। उसने वो बोतल पकड़ी जो मेरी यूज्ड जूठी बोतल थी, आधी उसने पी ली। मैं गौर से उसको देख रहा था और हैरानगी भी थी। मैं मुझसे नारा आ गया, मैंने कहा मिस्टर स्वामी आई एम मुस्लिम फ्रॉम पाकिस्तान, व्हाई यू ड्रिंक माय यूज्ड वाटर। क्या बात है, कहता ये आप क्या बोल रहे हैं। मैंने कहा मैंने बुजुर्गों से सुना है, किताबों में पढ़ा है कि आप हिंदू लोग हमें नापाक मलीच कहते हैं, और जिस जगह हम पाँव रखते हैं उसको गाय के गोबर से आप वो पोचा लगाते हैं कि ये नाक पाक होगी, ये जगह अब इसको पाक करना है, तूने मेरा जूठा पानी पी लिया। बड़ा हंसा, फिर उसने मेरे लिए चाय मंगवाई, फिर उसने मुझे कहा कि देखें शाह सवार, जिन लोगों ने आपने जो सुना जो पढ़ा वो सच है, मैं उसको झुटलाऊंगा नहीं, लेकिन जिन लोगों ने ये हरकतें की हैं उन्होंने इंडिया के 4 टुकड़े भी तो कर दिए, अब हम इसको टूटने नहीं देंगे, अब हम पहले इंडियन हैं फिर कोई मुस्लिम सिख ईसाई या कुछ है हिंदू है। क्रॉस कर रहा था तो एक खौफ किसी कैफियत थी कि पता नहीं वो लोग मेरे साथ क्या करेंगे, हम 2 जंगें भी 3 लड़ चुके हैं, वैसे कश्मीर के मसाइल हैं, वो लोग कोई मिलता मेरे साथ क्या करेगा। तो जब वाघा बॉर्डर से हम पाकिस्तान की हदूद से इंडिया के एमिग्रेशन में गए ना, तो वहाँ पर मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स दिए, तो बड़ा अजीब इत्तफाक हुआ कि वहाँ पर एक सरदार साहब थे वो चेक कर रहे थे, तो जब उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स देखे ना तो उन्होंने कहा कि इसके ऊपर ये एक स्टैंप नहीं है सिक्योरिटी की जो पुलिस अजम होती है। तो मैंने कहा सर मुझे तो पता नहीं था, बीमारी की हालत में मैं तो टिकट ले कर बैठ गया हूँ गाड़ी पर। तो अब उसने थोड़ा सा मेरी तरफ़ देखा तो कहता कितों आयो, मैं कहा जी सर लाहौर तो आया। पंजाबी हो, मैं कह जी सर। उसने ना ऐसे सरदार ने स्टैंप यूं लगाई तो कहता अपा हाथ बढ़ दिते जा, मैंने लिख दिया है आप सिर्फ हॉस्पिटल में जाएं अपने बच्चे का इलाज करवाएं और वापस आएं, आपको कोई रोकेगा नहीं पुलिस वाला, और किसी पुलिस स्टेशन में आपने रिपोर्ट भी नहीं करनी कि मैं आया हूं या जा रहा हूं, बस आपका एंट्री हो गई है। क्योंकि वहाँ रूल है कि जब जाते हैं तो मकामी पुलिस स्टेशन में या SP ऑफिस में आपको जाके अपनी इंट्री करवानी पड़ती है, और जिस दिन आप वहाँ से फारग होते हैं तब भी आपको बताना पड़ता है कि मैं एग्ज़िट हो रहा हूँ।
तो मुझे वो सरदार साहब ने सिर्फ इसलिए कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ और खसूसन पंजाब से आया हूँ, तो उन्होंने मुझे बड़े मोहब्बत से मिले, मेरा थोड़ा सा हौसला बढ़ा कि नहीं कुछ अच्छा ही होगा। तो इस तरह फिर बस में बैठ गए, करतारपुर एक जगह आती है, वहाँ पर एक फ्लोटिंग होटल है, तो वहाँ पर खाना खाने के लिए उन्होंने रोकी गाड़ी, तो एक मैंने देखा तो एक उठाया तो उसमें चावल थे, दूसरे में दाल थी, तीसरे में सूप था, तो मैंने फौरन सूप डाला, तो वो देखा तो सब्ज़ी का था, बड़ा मुश्किल से वो खाना खाया क्योंकि हमारे कल्चर का नहीं था, लेकिन बहुत अच्छा साफ़ सुथरा और इफ़ान सेहत के सुन। ऐसे हम करते रात को तकरीबन 9 बजे दिल्ली पहुँच गए। अब दिल्ली स्टेशन पर उतरे हैं तो एक रक्शे वाले से मैंने रोका, तो मैंने उससे कहा कि मुझे जाना है किसी होटल में, और मुझे नहीं पता कि वहाँ मुझे नई दिल्ली रखना या पुरानी दिल्ली, मैंने आगे जाना है बंगलोर और मुझे नाइट स्टे करना है, और मैं सुबह वहाँ से, रात को मैंने टिकटें भी लेनी है, सुबह मैंने वहाँ जाना भी है, मेरी अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ। उसके साथ मैं बैठा तो वो मुझे ले के गया नई दिल्ली, मुझे याद आ रहा है शायद होटल का नाम प्रिंस होटल था, वहाँ पर उसने मुझे ना एक प्रिंस होटल के नीचे एक दफ्तर था, वहाँ पर कोई इमिग्रेशन का कोई दफ्तर था, कोई टिकटें वगैरह जो देते थे जिनको क्या आप कहते हैं ट्रैवलर टाइप लोग थे, उनसे मिलवाया, और मैं आराम से बैठा हूँ, मैं परेशानी भी है, पता नहीं ये मेरे साथ क्या करेंगे, परदेश मुल्क है ना, मैं किसी से कोई अपना बताने की पोजिशन में हूँ, ना खुल के बात कर सकता हूँ। मुझे याद है वहाँ पर वो रूमी सिंह था उसका नाम था बंदे का, तो उसने मुझे चाय मंगवा के पिलाई और मैंने चाय पी, तो थोड़ी देर बाद उसको मैंने बताया कि ये मसला है मेरा, उसने टिकटें भी दी, उस वक्त कोई ओलंपिक्स हो रही थी बंगलोर में, खेलें हो रही थी, टिकट बड़े महंगे थे, मिल नहीं रहे थे, लेकिन उसने मेरे बच्चे का हाफ टिकट लगाया, मेरी वाइफ का और मेरा मुनासिब रेट पर लगाया, चाय वाय पिलाई, होटल में कमरा बनवाया, फिर एक टैक्सी वाले को बुलाया, उसे कहता है कि ये हमारे गेस्ट हैं, तो तूने रात मेरे दफ्तर में सोना है, तो सुबह आपने इनको यहाँ से लेना है, इतने टाइम पे जहाज़ जाएगा, ये उसकी टिकटें हैं, 6 बजे ये जब तक जहाज़ की उस वो इन ना हो जाए तूने वापस नहीं आना। क्या बात। तो मेरा ना लम्हे लम्हे हौसला बढ़ता गया, आप इमेजिन करें कि उसने सुबह हमें उठाया, उसने हमें नाश्ता ला के दिया, तैयार करवाया हम सब, मेरी बीवी को बच्चे को, और उसको टैक्सी में बिठाया, तो हमें वो ले के गया एयरपोर्ट पे, इंडिगो का जहाज़ था, गो इंडिया या इंडिगो इस किस्म की एयरलाइंस है वहाँ पे, बिल्कुल बंगलोर के लिए, तो उसमें वो हमारे साथ आया, आगे गाड़ी उसने बाहर पार्क की, जो जो हम चलते गए, हमारी टिकटिंग बोर्डिंग से आगे, जिस जब बोर्डिंग से आगे एक गेट था, गेट से आगे एक बस आती है जिसमें पैसेंजर बैठता है तो वो सीधा जहाज़ की सीढ़ियों तक ले जाता है, वो वहाँ पर उस बस के अंदर हम बैठ गए, तो शीशे से यूं उसने हाथ हिलाया कि कैन आई गो, तो मैंने कहा ठीक है आप जा सकते हैं। क्या बात। तो ये एक प्लीजेंट एक्सपीरियंस था मेरा, तो आई थिंक मैं अप्रिशिएट करता हूँ अगर वो इस वसातत से सुन रहे हैं तो ये ना सोचें कि मैं उनको भूल गया हूँ, मैं अब भी उनके रवैये को याद रखता हूँ और मैं अपने दोस्तों में ज़िक्र भी करता रहता था। तो आज इत्तेफाक से आप मीडिया पर आए इतने सालों बाद, 10 साल बाद, तो मुझे मौका मिला, मैंने कहा जो बात रियल है वो करने में हर्ज ही कोई नहीं है, किसी ने अच्छा किया तो अच्छा कहो, तो अच्छा अच्छे को अच्छा ना कहना भी मुनाफ़कत है, ये मुनाफ़कत है। तो एक बंदे ने मेरे साथ अच्छा किया, मैं उस वक्त बेआसरा सिवाय रब की ज़ात के, यूँ मुझे पत्ता भी हिलता था तो डर लगता था कि पता नहीं कोई मेरे साथ क्या करेगा, एक बीमार बच्चा साथ लिया है, एक वाइफ है और परदेश मुल्क है, और मुल्क भी वो जिसके साथ हमारा इख्तलाफात चल रहे हैं, तो एक 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 अनजाना सा खौफ तो होता है। तो इन लोगों का, मैं रूमी सिंह का, वो जो सरदार साहब थे एयरपोर्ट इधर इमिग्रेशन पे, या वो जो टैक्सी ड्राइवर था, मुझे नाम नहीं आता, उसने कुछ बताया भी था, आई अप्रिशिएट देम, मैं उनका शुक्र गुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे मेरी हेल्प की, मुझे हौसला दिया और मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। जब बंगलोर उतरे हैं तो फिर वहाँ से टैक्सी करवा के हम चले गए नारायण हरद्वारा हॉस्पिटल, वहाँ इंट्री करवाई, उन्होंने हमें अच्छा कमरा दिया, रेस्पेक्ट दी, खाना वाना दिया, तो फिर हमारी ट्रीटमेंट पहले दिन से शुरू हो गई। तकरीबन शाम 4 बजे हमारी राजेश शर्मा से
मुलाकात भी हो गई। तो मैंने उनसे सिर्फ, उसने कहा जी आपकी कोई, मैंने कहा जी मेरी सिर्फ इतनी डिमांड है कि हम आपका नाम सुन के आए हैं, मेरे बेटे का ऑपरेशन सिर्फ डॉक्टर राजेश शर्मा ही करे, आपका कोई असिस्टेंट या कुलीग ना करे। तो मुझे याद है कि ऐसे कहते हैं आपने मेरा बोला है तो मैं ही करूँगा। तो ऐसे मेरी वाइफ उसने कहती है कि मेरा बेटा ठीक हो जाएगा, तो डॉक्टर शर्मा कहता है कि वो ठीक तो ऊपर वाले ने करना है ना। क्या बात है, तो क्या मेरी बात? मेरे काम में, मेरी मेहनत में आप कभी खामी नहीं देखेंगे। मैं इनको इंशाल्लाह पूरी मोहब्बत से, पूरे तरीके से, और बड़ा उन्होंने किया, बड़े अच्छे तरीके से किया। तो आपने अच्छा बताया था माशाल्लाह जो बेटा आपका वहाँ पे ट्रीटमेंट करवा के आया, अब वो डॉक्टर है इस टाइम पे। पब्लिक बहुत ज़्यादा मतलब रिक्वेस्ट कर रही थी कि अगर हम उनका भी एक्सपीरियंस लेना चाहें, उनसे भी सुनना चाहें कि उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे। बिल्कुल, मैं आपको ना वो गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज में फ़ाइनल ईयर में आया, इस फरवरी में उसका MBBS मुकम्मल हो जाएगा। उसको क्रेज़ था, डॉक्टर शर्मा का वो फ़ैन था, और वो छोटा सा था, अभी 8वीं क्लास, अभी 8 साल का था जब गया है, अभी वो पढ़ता नहीं था, स्कूल भी नहीं जाता था, हम उसको भेजते ही नहीं थे क्योंकि वो पेशेंट था। तो ज़हीन बड़ा था, उसने वापस आके एक एक साल में 2-2 क्लासें की, और अपने हम उम्र से भी आगे निकल गया, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे। और उतना सा था, मासूम सा था, कि जब ऑपरेशन होने के बाद उसने अपनी चेस्ट देखी ना, तो फिर वो स्टिचिंग हुई थी, तो मुझे कहता अबू ये डॉक्टर शर्मा ने मेरी चेस्ट ब्यूटी ख़राब कर दी है। डॉक्टर शर्मा आए तो कहता है डॉक्टर साहब आपने, आपको ये तो नहीं कहा था कि आप मेरी चेस्ट ब्यूटी ख़राब करें। बड़ा कॉन्फिडेंट था शुरू से ही, बड़ी खुल के बात करनी हर बंदे से इस तरह, और वहाँ लोगों से मिलना, बड़े लोग मिलते रहते थे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आपकी उससे मुलाकात भी करवाएँगे, उसका इंटरव्यू भी करवाएँगे, आपको अच्छा लगेगा। पब्लिक बहुत पसंद करती है आपका, 2 दफ़ा वहाँ पे विज़िट हुआ, आपके अपने बड़े पर्सनल एक्सपीरियंसेस होंगे, तो हम भी अगर उसको गाहे बगाहे मतलब शेयर करें, अपनी ऑडियंस को बताएं, पाकिस्तानी पब्लिक मतलब जो है वो देखे कि किस तरीके से इंडियंस जो है वो वेलकम करते हैं एक पाकिस्तानी अगर यहाँ से भारत ट्रैवल करे तो। और दूसरा इमेज जो हमारा मीडिया दिखा रहा होता है कि नहीं बड़ा मतलब वो है, क्या कहना चाहेंगे कि आपका जो अपना पर्सनल विज़िट था, आप तो लाइव देख के आए हैं, पाकिस्तानियों को किस तरीके से वेलकम करते हैं वो? देखें मेरा एक्सपीरियंस जो है ना, मैंने आपको बताया, मैं आपको मज़ीद और भी बताऊंगा, ढेर सारे बंदे मुझे मिले, और जो जो मेरा एक्सपीरियंस होगा मैं बिल्कुल रियल सच। आपका जो 2 विज़िट आपके हुए, कितना देर स्टे आपका दोनों विज़िट में रहा? ये जो पहला विज़िट था ये मेरा बंगलोर का था, नारायण हरद्वाला हॉस्पिटल का, ये तकरीबन 32 डेज का था। अच्छा 32 डेज का था। और जो दूसरा विज़िट था, क्योंकि मुझे डॉक्टर शर्मा ने उस वक्त ही कह दिया था कि एक ऑपरेशन इसका करना पड़ेगा, अगर ये अच्छा खासा जवान बन गया तो फिर करना पड़ेगा, अगर छोटे कद का रह गया तो फिर शायद चलता रहे, लेकिन अल्लाह ने उसको ज़िंदगी दी और काफ़ी 5.5-6 फुट का जवान बन गया, खूबसूरत हो गया। तो उसको ना जब चेक करवाया तो इधर हमारे बड़े अच्छे डॉक्टर फिजिशियन है मसूद सादक, वही ट्रीटमेंट करते हैं, तो उन्होंने फौरन कहा कि आप डॉक्टर शर्मा से राबता करें और इनको लेटर लिखें कि ये मसला है, मैं आपको ओपिनियन दे रहा हूँ। हमने वो ओपिनियन जो उधर उनका टेस्ट वगैरह की रिपोर्ट थी डॉक्टर शर्मा को लिखी, तो उनकी तरफ से दूसरे दिन सुबह लेटर आ गया, विद इन 15 डेज उन्होंने